नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई पार्षद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रथम बार चुनाव होना है। सरकार विचार कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने जो संकेत दिए हैं, तीनों का कंबाइंड चुनाव होगा। बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी चुनाव को लेकर कभी भी शंखनाद हो सकता है। अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला में चुरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 18 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं सुनीता देवी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर। और अंत में होगा, चूंकि आप भी खुद महिला हैं और भारत के जो प्रथम महिला के रूप में जो विराजमान हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, कैसा लग रहा है, उनके बारे में भी बातचीत किया जाएगा। पहले तो सुनीता जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। अच्छी बात ये कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ विकास हुआ अब तक? हाँ, बहुत विकास किए हैं हम अपने वार्ड में। वार्ड नंबर 18 के पार्षद सुनीता देवी, सोना डंगाल, बोरा पट्टी के निवासी हैं, नगर पंचायत में आते हैं। मैं रोड नाला, कम से कम 16-17 को नाला है, रोड है, सब बनवाए हैं। और प्रधानमंत्री आवास कम से कम 60 हुआ है, शौचालय का 100 हो गया होगा। और ये और बताइए, पूछ अच्छा बताइए, आप पेंशन और राशन कार्ड कितने बनाओ? पेंशन तो बराबर हम हर वार्ड का ही बनाते हैं, मगर फिर भी अपने वार्ड का जितना है मेरे, कोई छूटे हुए नहीं है। और राशन कार्ड 400-500 से ऊपर बना हुआ है। मेरे 3 डीलर हैं, उस तीनों डीलर के पास मेरा राशन कार्ड है, मेरे अपने वार्ड का पूरा राशन कार्ड बना हुआ है। ये बताइए कि इस वार्ड की, या यूँ कहे कि जैसे देश आज़ाद हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो पहले नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा काम जो आपको लगा होगा कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए ऐतिहासिक है और आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? हम विधवा पेंशन किए हैं, जिससे कुछ लाभुकों को मैंने मिला है, उनके थ्रू मुझे ये मैंने वार्ड गर्व महसूस होता। हाँ, क्या उनको कोई देखने वाला नहीं था, अगला का अगर 1000 आपने महिला को ही सबसे ज़्यादा देखा, महिला जेंट्स दोनों को देखे हैं, और जिनका कोई नहीं है उसको आपने देखने का काम किए हैं। और रहा कि रोड नाला जो मेन है उसे बनाए हैं, जो देखने में सुंदर लग रहा है, अभी आने जाने का पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, वो विवेकानंद कॉलोनी से 3 नंबर चढ़ाई जाने वाली एक रास्ता है लंबे चौड़े, उसको बनवाए थे। और आपका अभी दिए हुए हैं 2-3 नाला, जो बहुत ज़रूरी है, हो सके अगला महीना तक हम बना दूँ। बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे बड़ी समस्या है तालाब का, जो गंदगी है तालाब में, वो तालाब का सुंदरीकरण करवाना था। और एक नाला है बड़ा, उससे मैंने कुछ पब्लिक को सुविधा हो, जो रोड पर नाला नहीं होने की वजह से, या नाला नहीं होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार अगर आपको दूसरी बार मौका देता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? उसमें मेरे वार्ड में तो सरकारी ज़मीन नहीं रहने के कारण मैं बहुत चीज़ से पीछे हूँ। जैसे सरकारी ज़मीन होने से समुदाय भवन हुआ, आंगनबाड़ी हुआ, ये सब थोड़ा तालाब उलाब और सुंदरीकरण करने का मौका मिलता, मेरे पास वो ज़मीन नहीं होने के कारण मैं पीछे थोड़ा सा हूँ। कोई दानवीर नहीं है जो दानवीर? ना, मेरे वार्ड में कोई देने वाला नहीं। यहाँ सब लूटने वाले बैठे हुए क्या? वाले बैठे हुए हैं, लूटने वाला नहीं, जिनका जमीन है वो अपने का मालिक है, नहीं देना चाहते हैं। एक अभी देख रहे हैं, अगर तालाब वाला जो जमीन है, अगर उसमें वो कुछ हो तो हम कर सकते हैं, रोड भी कर सकते हैं, आंगनबाड़ी, एक विवाह मंडल छोटा, जैसे विवाह मंडल होता है कि जो गरीब गुरबा है वहाँ, वो कर सकते हैं। मान लीजिए आप गरीब गुरबा हैं,
उनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि भाई बड़े पंडाल या बड़े होटल वगैरह। इस तरह के है बना हुआ हम लोग का साहू समाज जो मदद करती है, हम लोग बहुत मदद करते। जितना पैसा चाहिए गरीब गुरुआ तो उतना नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो अपने हिसाब से चार्ज लेगा ना? हाँ, वो वैसी नहीं लेते हैं चार्ज, हल्का फल्का है जो उनका खर्चा है वही चार्ज लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर दूसरी बार पार्षद बन जाते हैं तो चौथी बार पार्षद बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब से नगर निगम गठन हुआ तब से आप हैं? तीसरा बार पार्षद बनी हूँ, ये चौथा बार। आप सब माने जो हमें पब्लिक है, आपके पास तो काम करने का अनुभव हो चुका है, तो आप सीधा डायरेक्ट चेयरमैन के लिए भी फाइट कर सकते हैं? देखिए, अगर मौका मिला ओबीसी रहा तो फाइट करेंगे ना, तो मुश्किल है। पार्षद से ही संतुष्ट से करेंगे इसी तौर से। जब चौथी बार जनता मौका देगा तो चेयरमैन के लिए अगर ओबीसी नहीं होता है तो चेयरमैन नहीं बनेंगे, तो उपाध्यक्ष के लिए तो निश्चित फाइट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है वहाँ। हाँ, बताइए कि कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? मैं दो चार लोगों को ही मदद कर पाई हूँ, ऐसे बेटा मेरे थे वो जब चाहे जहाँ बोले वहाँ ले गए हैं सबको, और मैं एक दो आदमी को ही सुइया दिलाने के लिए ले जा सकी हूँ। क्या है कि मेरे पास तो उस वक्त दोनों लड़का बाहर रहते थे, छोटा वाला था, जहाँ तक हुआ उसको किए वो छोटी। बताइए, साहब है हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हर काम में वो मेरे साथ देते हैं। वाला रहते हैं बड़े वाला? छोटा वाला रहते हैं। जी बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? ना, ये गलत है। कहे कि बहुत गरीब ऐसा है कि जो दे नहीं सकता, होल्डिंग टैक्स ही नहीं दे सकता था, मगर वो किसी तरह से दे रहा है, अब डबल कर दिए, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को। तो विधानसभा में तो संजू राय भी मामले को उठाएं और कहें कि इस पर विचार कीजिए, ये तो गलत है कि बढ़ाने के लिए घटाने के लिए तो घटाना चाहिए, सही बात है। हाँ, उनके साथ हैं हम। ये बताइए कि आप चार तीन टर्म से वार्ड पार्षद हैं, ठीक है, तो तीन टर्म से वार्ड पार्षद हैं और भारत का जब संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को मानदेय के अलावा बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं और केवल मानदेय मिलता आप लोगों को संतोषजनक वो भी समय पर नहीं, क्या ये सही है या इस पे आप क्या मांग करते हैं, क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज़ उठाया? हम लोग बोर्ड में बार बार आवाज़ उठाते हैं मगर वहाँ तक नहीं जा पाते। आपका जो बोले ना कि दिल्ली बोले भेजेंगे जाने के लिए करने के लिए, वो नहीं हो पाता हम लोग से कि आगे कोई मेरे वार्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करें। तो अब ये बताइए कि हम लोग जैसे अध्यक्ष एमएलए एमपी को मिलता है हर सुविधा, उस तरह हम लोग को भी मिले। आने जाने के लिए सोचना पड़ता हम लोग को, कहीं अभी बोला दिल्ली चलो तो पैसा नहीं रहता भाड़ा, कैसे जाएंगे, कोई काम के लिए रांची जाना होता तो नहीं होता है, हम लोग को किसी का मना अभाव पड़ना पड़ता कि चलो अगला कोई देगा तो हम लोग जाएंगे, चाहे हम लोग को जो वेतन मिलता उससे हम लोग को संतुष्ट नहीं होता, हम लोग को मोबाइल और ही में खर्चा हो जाता तेल में। जी बताइए कि चुनाव जो है आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव करा लिया जाएगा, क्या मांग करते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि जिस वक्त हो चुनाव होना है 2023 में उसी वक्त हो, का चार महीना और हम लोग के पास टाइम है, कुछ हम लोग पब्लिक का कुछ काम भी कर सकेंगे, रोड नाला भी है वो भी हो सके। क्या अभी चुनाव आ जाएगा तो कोई काम सब काम बंद हो जाएगा, हम लोग का कुछ काम नहीं कर पाएंगे हम, इसके कारण समय पे चुनाव 2023 में ही चुनाव हो। अच्छी बात ये कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति चयनित हुई है, कैसा लग रहा है? उन्होंने भी वो महिला है, दूसरी बात कि उन्होंने पार्षद से राजनीति करियर का शुरुआत किया, वो बहुत अच्छा लग रहा है, उनका भी माने हार्दिक अभिनंदन है उनका, उनके थ्रू, और आगे भी हम लोग का चाहें तो अगर कभी कुछ काम पड़े तो उनसे मदद मांग सकते हैं, क्या कि नगर पंचायत में हम लोग 12 महिला हैं, अगर कोशिश हो कभी जाने का मौका मिले तो जाएंगे मिलने के लिए जरूर। तो आप लोग मन बना रहे हैं कि जा करके झारखंड से हैं मिल के जाके मिलेंगे उसे कुछ प्रेरणा लेने का कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? चूंकि लगातार आप पार्षद हैं, तीन टर्म से हैं, चौथे टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगा होना कि किस सरकार में कितना फंड आया है, सबसे ज्यादा कम आया? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो बहुत रघुवर दास, वो बहुत काम किए थे,
अब अगला भी करिए रहे हैं, हेमंत सरकार भी करिए रहे हैं। तो इनके कार्यक्रम में मुझे ये लग रहा है कि सर्वजन पेंशन योजना है ये बहुत ही सराहनीय कार्य। ये तो पहले से ही हो रहा है, 2000 पहले से हो रहा है, लेकिन पहले कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी कि ये नहीं होना चाहिए वो ना चाहिए। बीच में जैसे आपका 2010 से 15 के बीच में मैंने अच्छा पेंशन हुआ था, उस वक्त कोई त्रुटियां नहीं थी। अभी जो हो रहा है हर चीज मांगी जा रही, जैसे राशन कार्ड हुआ, वोटर कार्ड हुआ, हर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं होता, हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं होता, उसके कारण हर किसी के पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है। जैसे आज से 20 साल पहले मरे, उनका कुछ प्रूफ नहीं हो रहा, वो सब के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हम लोग को। और एक बात और ही कि जो लड़की को छोड़ा जाता है वो वाला भी पेंशन नहीं हो पा रहा, उसके लिए अभी तो हेमंत सरकार ने लागू कर दिया उसको किए हैं, मगर वो अगर ग्रामीण का बैठक के अनुसार उनका करते हैं, जैसे कुछ ग्रामीण बैठ के 10 आदमी 15 आदमी बैठ के उनका एक पेंशन करवाया जाए, जैसे उनका अनुशंसा से किए हैं, अगर सर करते हैं या हेमंत सरकार के वहाँ पेंशन में एक ये नया ऐड किया गया है कि जिनके पति छोड़ देते हैं उनका बोले कि कुछ प्रूफ चाहिए, तब मृत्यु प्रमाण पत्र उनका पति प्रमाण पत्र नहीं, जैसे तलाक वाला भी सॉरी तलाक वाला चाहिए, वो सब नहीं मिल पाता, उतना पुराना वाला नहीं पड़ वो नहीं। इसके लिए समाज के भी लोग भी कुछ लिख के दे देंगे तो ऐसा नहीं? हाँ वो लिख के देते हैं, या कुछ कैटेगरिया तो होगा ना? नहीं वो होता तो अच्छे होता ना हम लोग के लिए, हम लोग भी 10-15 लड़की ऐसा है, हर वार्ड में 2-3 मिल जाएगी, जिसका पति छोड़ दिया है, जिसका पति मैंने भाग गया है, हाँ बिना प्रमाण का कुछ नहीं हो पा रहा। ये अगर करते हैं कि हाँ 10 मेंबर को लेके एक पंचायत बैठा दे, पंचायत बैठा कर मैंने उसमें कुछ लिखा पड़ी हो उसके आधार पर हो तो और अच्छा होता हम लोग के लिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है और मैं निश्चित तौर से इस बात को मैं आगे पहुंचाने का काम करूंगा। और जी मीडिया वाले को सबको पूरा प्रणाम, मेरा प्रणाम नमस्कार, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा इस बात। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।